इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने बातचीत में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के हित में जो होगा वो करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर दिग्विजय सिंह बोले, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, दिग्विजय सिंह ने यह कहा है। दिग्विजय सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है एबीपी न्यूज से, अभी चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है ये भी कहा है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर पार्टी का चुनाव अब दिल बदले बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ अब जब तस्वीर बिल्कुल साफ है कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य नामांकन दाखिल नहीं करेगा, अशोक गहलोत नामांकन दाखिल कर सकते हैं, शशि थरूर उनके सामने हैं, और एक नया राजनीतिक भूचाल सा क्रिएट हो गया जब कल एक बयान आया दिग्विजय सिंह का, जिसको लोगों ने इंटरप्रेट किया कि संभवतः अब नामांकन वो भी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इस पर दिग्विजय सिंह ने क्लैरिफिकेशन जरूर दिया है, और हमारे साथ इस मामले पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमको टाइम देने के लिए। नमस्कार सर, आपसे सवाल शुरू करूं उससे पहले आपके कमरे की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहता हूं, अगर मेरे कैमरामैन वेद जी दिखाएं। वेद साहब आप दिखाएं जरा वो जो तस्वीर सामने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऊपर राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की है। सर ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्या अब कांग्रेस में गांधी परिवार का ईरा खत्म हो गया? इतना मैं आपको बता दूं, ये वो परिवार है जिसने देश को सब कुछ दिया है, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। कितने ऐसे परिवार हैं इस देश में जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दी, पार्टी को समर्पित कर दी। कितने ऐसा परिवार है इस देश में जिनके, जिस परिवार में दो दो लोगों ने शहादत दी है। आज कोई अध्यक्ष बने, 99.99% लोग आज नेहरू गांधी परिवार के साथ जुड़े हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो कल वाले बयान का जो मैं रेफरेंस दे रहा था सर, ये कहाँ से बात आ गई कि दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करने वाले? आप लड़ेंगे क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव? यही बात सुन लीजिए, मैं एक समर, मेरे सामने हमेशा मैं लोगों से कुछ पूछता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, तीन चीजों पर दिग्विजय सिंह समझौता नहीं करेगा। नंबर एक, गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी के मसलों पर मैं कभी किसी से मैं समझौता नहीं करता, चाहे मेरी कुर्सी चली जाए। नंबर दो, मैं वो सारे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठन, चाहे हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे सिखों के, चाहे ईसाइयों के हों, उनके साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। नंबर दो। तीसरा, जिस पे मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरी वफादारी नेहरू गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति, इस पर मैं समझौता नहीं करूंगा। अगर आपको दिग्विजय सिंह को समझना है तो इन तीन बातों को समझ लीजिए। सर कुछ ऐसा ही तो अशोक गहलोत साहब भी कहते हैं कि वो भी गांधी परिवार की इतनी इज्जत करते हैं, सम्मान है, करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसलिए जब वो मीडिया में जो बात आती है कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, मुझे विश्वास नहीं होता। वे बेहद एक वफादार, ईमानदार राजनीतिक रहे हैं, और हम तो मित्रमंडली में उनको गांधी जी कहते हैं क्योंकि उन्होंने जितना गांधीवाद को प्रचारित अपने और गांव-गांव तक उन्होंने पहुंचाया राजस्थान में, वो सत्ता के भूखे नहीं हैं और पूरी वफादारी के साथ कांग्रेस के आदेशों का, हमारे नेहरू गांधी पर, सोनिया जी का और नेहरू गांधी परिवार के जो भी निर्देशन होगा उसका पालन निश्चित तौर पे करेंगे। सर मैंने कल उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझसे यही आपकी वाली बात बोली कि अगर मुझसे कहा जाता है तो मैं नामांकन दाखिल करूंगा, आज मैं जा रहा हूं आखिरी बार राहुल गांधी जी को मनाने के लिए, अगर वो मान गए तो ठीक। उनसे मिसेस गांधी ने चर्चा की, वो राजी हैं अध्यक्ष पद का पर्चा भरने के लिए, क्या आपसे भी चर्चा हुई? ना 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 ना, चर्चा होगी ना हुई है, ना मैंने समय मांगा है। यही मैं आज अखबार में मीडिया में देख रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने मुलाकात के लिए समय मांगा है। सोनिया जी की बड़ी मुझ पर कृपा रही सदैव, और जब भी मैं समय मांगता हूँ तत्काल मुझे मिलता है। लेकिन दिल्ली तो मैं उस काम से आया नहीं हूँ, मैं तो भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा काम मुझ पर सौंपा हुआ है पार्टी ने, उसको मैं, उसके लिए मेरी मीटिंग है शाम को 4 बजे, उसके लिए आया हूँ। तो सर एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने वाले? इस बात को मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि जो भी आदेश होगा हमारे नेतृत्व का, उसका पालन दिग्विजय सिंह करता आया है और करता रहेगा। ये तो ओपन एंडेड हो गया ना सर। क्यों, आप क्लोज को करना चाहते हैं?
अच्छा मतलब दिग्विजय सिंह पर्चा भर सकते हैं अगर नेतृत्व कहें सर, अगर नेतृत्व। एक बात यह है, मैंने आपसे नेतृत्व के बारे में साफ कह दिया कि उनके निर्देशों का पालन मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं उनके प्रति वफादारी में किसी से समझौता नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो फिर दिग्विजय सिंह जी जो आप बात बोल रहे हैं जब ऑन एयर चलेगा तो फिर नाराजगी नाराज मत होइएगा कि ये तुमने क्या चला दिया, मैं आपसे दो दो तीन तीन बार पूछ रहा हूँ। देखिए बात ऐसा है आशीष जी, कल श्रीनिवास जैन हमारे, मैं तो उसको बहुत प्रेम करता हूँ, उसके परिवार से मेरे बड़े से संबंध है, एलसी जैन साहब मेरे पे बड़ी कृपा थी उनकी। उसने जब मुझसे पूछा कि ये अच्छे हैं या ये अच्छे हैं तो मैं क्या कहता चलिए ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। दिग्विजय जी आपने शुरू में कहा कि आप जो तीन मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे उसमें गांधी परिवार का नाम लिया, क्या शशि थरूर समझौता कर रहे हैं गांधी परिवार से अपना नाम? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। शशि थरूर जी बहुत ही एक योग्य और बहुत ही अच्छे व्यक्ति, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।